अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, देगी पुलाव मसाला घर में होममेड। हम देगी पुलाव मसाला होममेड में तैयार करूँगी। बाहर के मसालों पता नहीं कैसे होते हैं, एक्सपायरी भी हो सकते हैं और वैसे भी हम लोग फ्रेश नहीं होते, हमें क्या पता कैसे होते हैं। इसलिए घर के मसालों से मैं आज देगी पुलाव मसाला तैयार करूँगी और इसी मसाले का इतना मज़े का पुलाव बनेगा कि बहुत बहुत मज़े का बनेगा। तो सबसे पहले आइए मैं बताती हूँ कि इसके अंदर देगी पुलाव मसाले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। सबसे लहसुन का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, अदरक का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, सुरख मिर्च मैंने 1/2 टेबल स्पून ली है, सूखा धनिया साबुत जो है 2 टेबल स्पून लिया है, काली मिर्च पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, कलवंजी मैंने 1 टेबल स्पून ली है और ये 7 से 8 आप देख सकते हैं, सब्ज़ इलायची ली है 1 टेबल स्पून, मैंने सौंफ ली है और ये 7 ये भी 8 से 9 है, दादर मिर्च ये लास्ट में डलेंगी, 7 से 8 मैंने लौंग ले ली हैं और 7 से 8 ही समझ सकते हैं मैंने काली मिर्च ले ली है। कुछ साबुत गर्म मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 2 छोटे बादियान के फूल ले लिए हैं, जावेत्री मैंने 2 ले लिए फूल, ठीक है 3 से 4 मैंने मोटी इलायची ली है और 4 से 5 मैंने दालचीनी ले ली है। इन सब का मैं देगी पुलाव मसाला तैयार करने लगी हूँ, बहुत ही मज़े का देगी पुलाव मसाला हमारा तैयार होने वाला है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, इन सबको मैं ग्राइंड करूँगी, इन सब मसाला ये मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, सारे साबुत भी और पाउडर भी। अगर कोई पाउडर अदरक लहसुन जैसे बना हुआ है, अदरक लहसुन का पाउडर बना हुआ है, नमक मिर्च वगैरह का आपने ये नहीं कहना कि वो ऑलरेडी पाउडर बना हुआ है तो मैं हम इसके अंदर क्यों डालें, आपने वो पाउडर भी इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट तक ग्राइंड करूँ, अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है ग्राइंड हो चुका है। हमें इसको बाउल में डालकर दिखाती हूँ, मैंने एक डब्बा ले लिया जिसके अंदर मैं मसाला डालकर रख दूंगी। इसको आप चाहें तो कैबिनेट में किचन में रख सकते हैं, किचन के कैबिनेट में रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छे तरीके से पैक हो चुका है हमारा, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है और हमारा देगी पुलाव मसाला तैयार हो चुका है। आपने बाजार के मसालों को इस्तेमाल नहीं करना, कुछ पता नहीं है फ्रेश भी होते हैं कि नहीं, एक्सपायर भी हो सकते हैं। घर के मसाले बनाएं, घर में खुद तैयार कीजिए अपनी नज़र के सामने ताकि हमें पता हो कि हर मसाला वॉश करके हमने यूज़ किया है। देगी मसाला हो, पुलाव मसाला हो, बिरयानी मसाला हो, कौड़ा मसाला हो, सारे मसाले खुद घर में तैयार करके बनाया करें। तो आपने भी ये रेसिपी इसी तरह घर में ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।